फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति शर्मा और प्रीति शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज का टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो आज होने वाला है गणेश चतुर्थी के ऊपर DIY। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और बस कुछ ही दिन बाकी रह गए गणेश चतुर्थी में, और मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ गणेश चतुर्थी के DIY के लिए। और गणेश चतुर्थी हम लोग भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, गणेश जी को अपने घर पर लेकर आते हैं और काफी अच्छे से उनकी पूजा करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं गणेश चतुर्थी के लिए DIY करने वाली हूँ, जो कि यहाँ पे मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से मैंने ये DIY को बनाया है, किस तरीके से मैंने DIY किया है और उसके लिए क्या क्या मुझे मेरे को सामान की जरूरत पड़ी है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज का मेरा ये गणेश चतुर्थी के लिए जो DIY मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज्यादा पसंद आएगा, और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक छोटा सा ये बॉक्स ले लिया है, जिसके ऊपर मैं गणेश जी का, जहाँ पे मैं गणेश जी को बैठाऊंगी तो उनके लिए मैं यहाँ पे एक पूरी तस्वीर तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके का मैंने एक बॉक्स ले लिया है। मैं सर्कल में कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, मैं ये जो बॉक्स है स्क्वायर बॉक्स है इसके ऊपर बनाऊंगी। ये जो मेरा बॉक्स है आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास एक कढ़ाई है उसका ये बॉक्स मेरे पास खाली पड़ा हुआ था, तो इसको मैं यूज करने वाली हूँ DIY के लिए। तो ये तो मेरे पास बॉक्स हो गया, इसको हम पूरा अच्छे डेकोरेट करेंगे और सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर करूंगी। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको मैं कवर करने वाली हूँ इस कपड़े से। ये मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था, बिल्कुल एक नया कपड़ा मेरे पास ये पड़ा हुआ था इस तरीके का, ये गोल्डन कलर में है आप लोग देख सकते हैं, पूरा आगे पीछे से दोनों तरफ से ये गोल्डन है। तो इससे हम इसको पूरा कवर करेंगे, पूरा एक अच्छा सा DIY यहाँ पे आज हम तैयार करने वाले हैं। और इसके लिए और भी जो मुझे सामान की जरूरत है, तो वो यहाँ पे मैंने कुछ शीट्स मेरे पास पड़ी हुई है कलरफुल शीट्स, इनका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आज का DIY बनेगा, किस तरीके से यहाँ पे ये पूरा आज बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रेंड्स ये बॉक्स मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये बॉक्स है उसके बाद ये मेरे पास क्लोथ पड़ा हुआ है, ये क्लोथ को मैंने कट कर लिया है इस बॉक्स के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद यहाँ पर ये है मेरे पास कुछ कलरफुल शीट्स, और यहाँ पर है ग्लू गन। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास रेडी हैं, तो बस मुझे तैयार करना है। और यहाँ पे एक दो ये दिए हैं जो कि मेरी बेटी ने रेडी किए हैं कलरफुल, आप लोग देख सकते हैं इनको पेंट करके, एक्रेलिक पेंट इन पर किया गया है जो कि काफ़ी अच्छे से ईजिली हो जाता है एक्रेलिक पेंट। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम DIY कम्प्लीट करेंगे। तो इन दियों को भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपनी पूजा में। तो चलिए पहले तैयार करेंगे DIY आज का। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्लू गन ले लिया, और यहाँ पे मैं इस कपड़े को अच्छे से इसको पूरा कवर कर लेंगे। और जो ग्लू गन थी वो मेरी काम नहीं कर रही थी सही तरीके से, तो यहाँ पर फिर मैंने ये ले लिया है फेवी बॉन्ड। ये भी काफ़ी अच्छी होती है अगर आपको कोई ऐसे इस तरीके से DIY करना है, तो काफ़ी सही से इसमें सारी चीज़ें चिपक जाती हैं फेवी बॉन्ड से। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है फेवी बॉन्ड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैं पूरे इस कपड़े को अच्छे से पेस्ट कर दूँगी इस पर, और आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कपड़ा पूरा इस पर अच्छे से पेस्ट हो चुका है। तो पूरी तरीके से उसको हम कवर कर लेंगे सबसे पहले। और इसके बाद दूसरी साइड वाला जो कपड़ा है इसको भी हम अच्छे से इसी तरीके से फेवी बॉन्ड लगा लिया है मैंने, और यहाँ पे इसको भी अच्छे से इस पर पूरा पेस्ट कर दूंगी। और जो साइड का कपड़ा है इसको भी अच्छे से हम सेट करके पूरा इसको इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ताकि ये पूरा एक अच्छा इसका लुक दिखे। और यहाँ पर पूरा इसको मैंने फेवी बॉन्ड लगा दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरा पेस्ट हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इस पूरे बॉक्स को इस कपड़े से कवर कर दिया है। अब इसको हम ऊपर से और डेकोरेशन करेंगे, पूरा इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पे आगे डेकोरेशन के लिए मेरे पास कुछ शीट्स हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई थी, तो इन शीट्स पे मैंने इस तरीके से लीव्स बना ली हैं, और अब मैं इनको कट कर लूँगी इन सारे लीव्स को, और उसके बाद हम इन लीव्स को यहाँ पर डेकोरेट करेंगे अच्छे से पेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले इस लीव्स को मैं कट कर लेती हूँ सारी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी लीव्स कट कर ली हैं, ग्लिटर शीट्स ये वाली, और इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो सारी लीव्स मैंने कट कर ली हैं। तो कितनी प्यारी लग रही हैं ये लीव्स। अब इनको हम पेस्ट करेंगे, इनसे पूरा हम डेकोरेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से हमें डेकोरेशन करना है। तो
तो यहाँ पर इन लीव्स को पहले मैं सेट कर रही हूँ, इनको लगा के देख लेंगे पूरी अच्छे से किस तरीके से इनको डेकोरेशन जो है अच्छा लग रहा है, और उस तरीके से उसके बाद यहाँ पर इनको हम पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं लीव्स थोड़ी सी मैं लगा के देख ली, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ और इनको हम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लीव्स लगा दी, आप लोग देख सकते हैं फेविकॉल की हेल्प से। तो ये पूरा इस तरीके से तैयार हो गया है लीव्स के साथ, और कितना प्यारा डेकोरेशन लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो उसमें काफ़ी डेकोरेशन बाकी है, तो चलिए अब इसका करते हैं नेक्स्ट डेकोरेशन। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक और शीट ले ली डिफरेंट कलर में, और इसको मैंने कट कर लिया इस तरीके से फ्लावर शेप में, और इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस तरीके से DIY आप लोग भी अपने घर पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को फ्लावर्स दिखा रही हूँ। ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स पड़े हैं, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं रेड कलर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके के फ्लावर्स अगर आप लोग इनसे DIY कर सकते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं ये, जब आप इन लोग लगाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं इनको मैं क्या करके यहाँ पर अभी लगा के देख रही हूँ किस तरीके से इनका पूरा लुक आने वाला है। इसके बाद अब मैंने इनको लगा के देख लिया, और अब मैं इनको फेविकॉल से ऐसे से पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस पर मैंने फूल भी अब लगा दिए और अच्छे से पेस्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरी डेकोरेशन कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही बना है। और इसमें लास्ट में मैंने इसमें लाइट्स और ऐड कर दी हैं, आप लोग देख सकते हैं लाइट्स से, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लुक आ रहा है इसका। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे जो गणेश चतुर्थी के लिए मैं DIY बनाने वाली थी, तो वो यहाँ पर बनके कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना सुंदर DIY बना है, जो कि यहाँ पे मैंने पूरा बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। और पूरी वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी को बैठाया है, अभी ये छोटे वाले गणेश जी मेरे पास हैं, तो जो बड़े वाले गणेश जी हैं वो मैं लेके आऊँगी गणेश चतुर्थी के लिए। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये गणेश जी इसमें बैठे हुए, और इसमें मैंने लास्ट में लाइट भी लगा दी थी, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को लाइट दिख रही होगी साइड में, जिससे कि और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो ये है मेरा गणेश चतुर्थी के लिए DIY। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा DIY बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को आज का मेरा गणेश चतुर्थी DIY कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।